आगरा सिंचाई विभाग द्वारा नहर में नगर निगम के गंदे पानी को लेकर विभागों में कहासुनी हो गई। जनता का आरोप है कि नहर के पानी में नगर निगम का गंदा पानी जा रहा है और आपको बता दें, सिंचाई विभाग पर करोड़ों रुपए लिए जाने का भी आरोप है। सिंचाई विभाग ने नगर निगम के नाले को बंद कराया और बाद में उस नाले को नगर निगम द्वारा खोल दिया गया। ये जनता द्वारा आरोप लगाए गए हैं। इसी पर किसान श्याम सिंह चाहर भाजपा हीर बरौली मंडल अध्यक्ष से बातचीत किया, ये आपको सुनाते हैं। किसानों को समस्या आज देखी है हमने, बहुत ज़्यादा गंदगी है इस तरफ। सारा गंदा पानी, शहर का गंदा पानी किसानों के खेतों में जा रहा है, जहाँ से सैकड़ों बीघा जमीन खराब हो रही है। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो मैं सरकार से और प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि इस पर तुरंत संज्ञान लेकर तुरंत से तुरंत कोई अच्छा समझौता करके, दोनों तरफ से सिंचाई विभाग और नगर निगम दोनों समझौता करके, इसकी मीटिंग करके जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करें। और किसानों की समस्या का समाधान करना बहुत ज़रूरी है। ये गंदा पानी खेती में जाता है और आने वाली पीढ़ी, जो खेती का जो पानी गंदा जाता है, जैसे गेहूं उपजाई होती है और जो अन्न पैदा होता है, उस अन्न को हम लोग खाते हैं और दुनिया भर के लोग खाते हैं, वो गंदा अन्न हम लोग कैसे खा सकते हैं और दूसरों को कैसे खिला सकते हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है कि इस गंदगी को इस तरफ से बंद किया जाए और इस समस्या का समाधान सरकार अपने हिसाब से निकाले, ताकि किसानों की कोई परेशानी नहीं हो, किसी कोई कोई दिक्कत नहीं आए। थैंक यू। हाँ सर, क्या नाम है और क्या समस्या है? राधे श्याम प्रधान, गांव पचगाई खेड़ा, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बरौली है। गांव में 1000 बीघा किसानों के खेत हैं, नगर निगम का गंदा पानी आ रहा है, उससे सब खेती बर्बाद हो चुकी है। जेंट में पानी भरा हुआ है, किसान परेशान है। 500 की संख्या में किसानों ने यहां आकर के अपनी समस्या बताई। श्याम सिंह चाहर हैं जो किसानों के मसीहा हैं, वो यहां आकर के सभी किसानों को आश्वासन दिया है कि 2-4 दिन में हम इस समस्या का समाधान कर देंगे। मुझे आशा है आगे प्रशासन से कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करें, अन्यथा किसान और कृषि उस पर आबाद हो जाएंगे। मेरा नाम हरिमोहन कुशवाहा है और मंडल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी बरौली है। क्या क्या समस्या है? समस्या है कि पूरे नगर निगम की एरिया का पानी इसी नाले में आता है। इस नाले में आने से जब जल भराव होता है तो गांव के घरों में भी भर जाता है और पूरी जो खेती जो है, सैकड़ों बीघा खेती में इतना पानी भर जाता है कि फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसका कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं, इससे पानी बाहर चला जाए। गांव वालों को बहुत ही भारी परेशानी का सामना इस समय करना पड़ रहा है। इस ओर सरकार का, प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। इसलिए हमारी मांग है इस पानी की निकासी की बहुत ही समुचित व्यवस्था यहाँ पर की जाए, जिससे जनता को और किसानों को राहत मिल सके। ठीक। आज इस समय मैं नगला पदमा पर आया हूँ, जहाँ मेरे साथ मौजूद हैं श्याम सिंह चार नेताजी। इनसे बातचीत करते हैं कि नगर निगम का नाला और सिंचाई विभाग का जो नहर का जो विरोध हो रहा है, कल जेई साहब को यहाँ बैठा कर 3 घंटे उन्हें बंधक बना लिया था, आज उन्होंने उसी नाले को रुकवा दिया था। आज यहाँ नगर निगम की टीम के द्वारा वो नाला खुलवा दिया गया। मेरे साथ मौजूद है किसान श्याम सिंह चार जी, इनसे बातचीत करते हैं क्या है पूरा मामला। जो आज जो नाले को नगर निगम के द्वारा खुलवा दिया गया है, क्या है मामला भाई? उसके बारे में तो हम मौके पर जाके देखेंगे भाई। हमारे एक पत्र के ऊपर और सिंचाई विभाग ने पूरी छानबीन करते हुए उनको नोटिस जारी भी किए, पत्र भेजा कि आप अपने पानी को बंद कर लीजिए। उन्होंने बंद नहीं किया तो हमारे पत्र के ऊपर, यानी अधीक्षण अभियंता, चीफ इंजीनियर और अशासी अभियंता ने आदेश जारी किया कि तत्काल प्रभाव से अपने पानी को बंद करें, नहीं तो हम बंद कर देंगे। आज उन्होंने मौके पर आकर के जो नगर निगम का नाला था सराय मलुकचंद पर, उस नाले को बंद कर दिया गया पूर्ण तरीके से। वहाँ पर कुछ बीजेपी नेता आकर और उन्होंने नगर निगम की टीम को बुलाकर उस नाले को दोबारा से खुलवा दिया। जो बीजेपी के नेता है तो वो बीजेपी के होंगे, जनता के तो नहीं है ना वो। अगर जनता के नेता होते तो वो जनता की आवाज़ बन करके उभरते भाई। बीजेपी का नेता कौन है, इसके बारे में भी हम जांच करेंगे और पूछताछ भी करेंगे कौन नेता है बीजेपी का जो कि जनता के विरोध में जा रहा है। अगर जनता के विरोध में कोई भी गया है, कोई भी नेता गया, चाहे हम हो, चाहे अन्य दल के हों, चाहे अन्य समाज के हों, उसका जनता सबक भी देती है, उसे सबक भी सिखाने का काम भी करती है।
लेकिन कहा ये जा रहा है कि जो जनता जो नाला है जी, जो नाला जो निकल के जा रहा है वो दलित समाज की ओर होके जा रहा है, और क्या ऐसा कुछ है कि लोग कह रहे हैं कि दलितों की तरफ ऐसे ही जाएगा नाला, इसी तरीके से पानी चलता रहेगा, क्या कुछ विरोध कर रही जनता? ऐसा भाई, दलित समाज, जाट, ब्राह्मण समाज, अंध समाज, देश के नागरिक के साथ में किसी के भी साथ में अन्याय होगा, उसे किसी की मतलब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो किसी भी समाज से हो, किसी भी दल से हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से। लेकिन कुछ लोग भी कह रहे हैं कि खेत की जो पानी की करने की वो है प्रक्रिया, खेतों में पानी डालते हैं उससे खेतों की सिंचाई और जैसे कि खेतों की फसल भी बेकार हो रही है इस नाले के द्वारा। नहीं नहीं, बेकार हो रही, मैंने देखा मौके पर भी देखा, मैं इस बात को करीबन 5 साल से उठा रहा हूँ और अब जाकर के उस पर अमल किया गया है। अगर इस चीज़ का समाधान नगर निगम और नहर विभाग नहीं करती है, हो सकता है इसमें पूर्व अधिकारियों को साठगांठ कर ले, तो लेन देन करके इस मामले को इसमें दबाने की कोशिश की गई हो। आज पूर्ण तरीके से साफ हो गया है कि दोनों विभागों की मिली भगत से किसानों का और गरीब जनता का शोषण किया जाए, किसानों को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा। अगर इस चीज पर तुरंत तत्काल प्रभाव से संज्ञान नहीं लिया गया तो 26 तारीख को यूपी के मुखिया मुख्यमंत्री जी महोदय आ रहे हैं, तो इस प्रकरण को उनके सामने ले जाने का काम जनता करेगी और इसका जो खामियाजा जो भुगतने के लिए तैयार दोनों विभाग हो जाए या किसानों की इस समस्या का समाधान जल्द से कर दे तो ठीक रहेगा। अन्यथा किसान कोई भी उग्र आंदोलन करने के लिए, कोई उग्र आवाज उठाने के लिए बाध्य होगी, इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। जो भी जनता वहाँ रह रही है और जो जनता चाहती है कि ये नाले में साफ पानी आए या फिर हमारा ही पानी चले, जबकि नाले का और नहर का कोई अलग अलग इशू हो जाए तो कैसा रहे जनता? नहीं भाई, एक बात और, ये मैं तो नहीं करा भाई, मैं तो नहीं करा, ये किसानों की आवाज थी। पहले देश आजाद भी नहीं हुआ था जब नहरों में ऐसा पानी आता था जैसे गंगा जी, और ये जो नाले बनाए गए थे वो प्रसाद के लिए बनाए गए थे, ना कि कोई नगर निगम का पानी डालते हैं, ना कि कोई हॉस्पिटल का पानी डालते हैं। अगर जो डाला है वो गैरकानूनी तरह से काम कर रहा है, इसका खामियाजा जिला प्रशासन अपने आप देगा। कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, फैसला जिला प्रशासन को करना है और यूपी सरकार को करना है। सिंचाई के टाइम पर जब ये पानी लेते हैं तो जो नाले का पानी आता है उस पर सिंचाई विभाग वाले अपनी रसीद काट देते हैं सब? नहीं, कोई भी नहीं लेता, किसान कोई भी नहीं लेता, ये फर्जी तरीके से रसीद काटते हैं, तो इसका जिम्मेदार किसान नहीं, नहर विभाग है। और अगर ऐसी कोई बात आएगी तो फिर नहर विभाग के अधिकारी से बात करेंगे, तो किसानों को परेशान क्यों किया जाए।